जय जिनेन फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल कार्ड्स। दस लक्षण पर्व 2022 में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और यूनिक फैंसी ड्रेस आइडियाज, डायलॉग्स और कॉस्ट्यूम के साथ। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 51, पतंग। 10 रुपया लेकर मैं भैया संग, लेकर आया मांझा और पतंग। आसमान में उड़ रही रंग बिरंगी पतंग, रंग बिरंगी पतंग। पेच लड़ाया कट गई पक्षी की गर्दन, नीचे गिरकर पक्षी बोल मर गया, रह गया मैं दंग। कभी न उड़ाऊंगा हिंसक ये पतंग, हिंसक ये पतंग। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय हो, जय हो। ऑप्शन 52, सोमा सती। मैं नगर सेठ की पुत्री सोमा हूँ। मुझे जैन धर्म पर अटूट श्रद्धान है। एक विधर्मी सेठ के पुत्र ने मेरी सुंदरता को देखकर मुझसे छल से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात ससुराल वालों ने मेरा धर्म परिवर्तन करना चाहा, पर वे असफल रहे। तब मेरी सास ने सपेरे से एक सांप खरीदा। सांप को डिब्बे में डालकर मुझसे कहा, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आई हूँ। और जब मैंने डिब्बा खोला तो मेरी अटूट श्रद्धा से सर्प एक फूलों के हार में बदल गया। यह देखकर मेरी सास को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी। वह जैन धर्म स्वीकार कर लिया। बोलिए जैन धर्म की जय हो, जय हो। ऑप्शन 53, श्रीमद रायचंद्र जी। ऑप्शन 54, कल्प वृक्ष। जय जिने, मैं कल्प वृक्ष हूँ। मैं भोग भूमि में रहता हूँ। कल्प वृक्ष 10 प्रकार के आते हैं, पाणांग, तुर्यांग, भूषांग, वस्त्रांग, भोजांग, आलियांग, दीपायांग, भाजांग, मालायांग और ज्योतिरांग। सब पात्रों को दान देने से भोग भूमि में जन्म होता है। बोलिए चारों प्रकार के दान की अनुमोदना। ऑप्शन 55, पंडित टोडरमल जी। कन्नड़, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी के ज्ञाता, गोमरसार भाषा टीका के रचयिता। घोर अन्याय राजा का सहा, फिर भी डंके की चोट धर्म सुनाया।
राजा आया लोगों की बातों में, गत से मरवाने का दंड सुनाया। मृत्यु को निकट जान टोडरमल जी ने पंच परमेष्टी का स्मरण किया, पंच परमेष्टी का स्मरण किया, तत्वों का उपदेश उस निर्दोष गज को दिया, समाधि पूर्वक शरीर त्याग निज आत्म को ध्याया। पोलियो मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ की जय हो। ऑप्शन 56 विश्व। इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं, अनादि अनंत विश्व का कर्ता कोई नहीं, विश्व के अलावा दुनिया कुछ नहीं, छह द्रव्यों के अलावा विश्व कुछ नहीं। छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का, ये छह द्रव्य हैं। जय जिनेन्द्र। ऑप्शन 57 पंडित बनासीदास जी। लोग मुझे कहते हैं, बनासीदास तुमने प्रेम भरी कविताओं का नवरस ग्रंथ रच डाला, तुमने नारी सौंदर्य का क्या खूब वर्णन किया है, पर मैं अब इन पन्नों को गोमती नदी में बहा देता हूँ ताकि मेरी इस रचना को पढ़कर किसी के परिणाम न बिगड़े। अब मैं ऐसी रचनाएं नहीं करूंगा। कुछ वर्ष बीतने के बाद पंडित जी विचार करने लगे, मनुष्य की आयु 110 वर्ष की होनी चाहिए, मैं 55 वर्ष का हो गया हूँ, क्यों ना मैं अपने जीवन पर अर्धकथानक नाम की पुस्तक लिखूं। चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। Hope you like fancy dress ideas. Do subscribe to our YouTube channel.